अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बाजरे के लड्डू बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 कप बाजरे का आटा लिया। इसी कप के नाप से मैंने 2 कप ली हूँ और थोड़ा खुश्की के लिए निकाल दी। और ये 100 ग्राम के करीब असली घी है, आप सादा घी भी डाल सकते हैं। और ये 1 कप शक्कर है, जिसे मैंने बारीक पीस ली हूँ। इसी कप के नाप से शक्कर है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये नमक है आटा गूंदने के लिए, और पानी है, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम पानी लेंगे। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटे को मसल लेंगे। मैंने आपको बाजरे की रोटी बनाना बताई हूँ, सेम वही तरीका है रोटी बनाने का। फिर इसको लड्डू कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक दिन पहले बनाकर या सुबह बना लें और शाम में भी इसको बना लेंगे तो ख़राब नहीं होगा। और दूसरे दिन भी अगर आपने बना लिया, कभी रोटी बच जाती है बाजरे की, तो आप उस बची हुई रोटी से भी बना सकते हैं। 2 कप में माशाल्लाह 3 से 4 रोटी बन जाती है। इस तरीके से पहले इसको मिला ले, सेम रोटी की तरह ही है। आटा गूंथते वक्त कभी भी पानी पहले ही ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपने बाजरी की रोटी में या बेसन के पराठे जो मैंने आपको बताई हूँ। इसको आपने थोड़ा सा इस तरीके से मसल दे, इससे क्या होगा हमारी रोटी और अच्छी बन जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको धीरे धीरे से कर लिया, धीरे धीरे। अगर आप ज्यादा बड़ी नहीं बेल सकते हाथ से तो आप छोटा भी बना सकते हैं इस तरीके से, धीरे धीरे, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे। जब आपको लगे रोटी नीचे से चिपक रही, हाथ से देखो ये महसूस होता है, तो आपको ऐसा लगे तो आपने इसको हाथ से ऐसे धीरे से उठा के जो खुश्की है साइड में, आपने उसको धीरे से बीच में कर देना है। और फिर इसको धीरे धीरे से ये घूम रही है, मतलब और नीचे खुश्की है। जब ये घूमना थोड़ा सा रुक जाए तो ऐसा लगता है कि नीचे से वो लग रही है, फिर आपने उसको हाथ में उठा लिया। अब हमको ये साइज बस है, हमने इसको उठाया और इस तरीके से तवे पर डाल देना है। इसको धीरे से पानी ऊपर से लगाना है और धीरे से फिर एक बार इसको साइड से इस तरीके से आपने हटा दिया। इस तरीके से पलट दिया, ये धीमी आंच पे पक रही है, तब तक हम दूसरी रोटी कर लेते हैं। इसको हल्के से आपने सेक लें। अब जब बनाने लगोगे, शुरू में पहली बार आपसे रोटी थोड़ी सी जलेगी, चिपक जाएगी, घबराना नहीं है आपने, फिर कोशिश करना है। 1 से 2 बार कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आप बना सकोगे। इसको डाल दिए, थोड़ा सा पानी ऊपर से लगा, नीचे से जो रोटी फूलती है उसे हवा से फूलने मत दे, उससे क्या हो जाएगा फिर आपकी रोटी बाद में जैसा फूलना चाहिए वो नहीं फूलेगी।
के देखो, अब इसको आपने पलट दिया। धीमे धीमे आंच पे आप सेकना है। तो इस तरीके से रोटी हमारी बन गई है। ये देखिए, ये रोटी जैसी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है, मैंने 2 कप में 4 रोटी हमारी बनी है। इसको आपने इस तरीके से तोड़ लें। ये अच्छी ठंडी हो जाना चाहिए, आपने उसको तोड़ लेना है अच्छे से। आप इसे लड्डू बनाकर रख लें। इसमें आपको और अगर कुछ मेवा डालना है आप डाल सकते हैं, काजू बादाम बारीक कट करके, बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। इसको इस तरीके से हमने सबको चूर कर लिए हैं। अभी मैं इसे मिक्सर के जार में डालकर इसे थोड़ा सा घुमा लेती हूँ। ये हमें बिल्कुल पाउडर की तरह से चाहिए, जिस तरह ये चूरा दिख रहा है इस तरीके से मैं मिक्सर में इसे कर लेती हूँ। अभी इसमें हम शक्कर डालेंगे। ये देखिए, मैंने 3 चम्मच शक्कर भर के ली हूँ, बाद में मुझे अगर लगा तो फिर मैं और डाल दूंगी। ये घी, चार से पांच चम्मच मैंने घी भी डाल दी। अभी मैं इसे मिक्सर में घुमाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको पीसना है। मैंने 4 चम्मच शक्कर डाली थी, मुझे कम लगा, मैंने थोड़ा सा उसमें और डाल दी। 1 चम्मच घी मैंने और डाल दी उसमें। अभी आप इसे इस तरीके से लेकर छोटा बड़ा साइज जो आपको पसंद हो आप वो साइज में बना लें। मैं रोटी अच्छा ठंडा होने के बाद में आप बनाओगे तो आपको मिक्सर की भी जरूरत नहीं लगेगी। लड्डू नहीं बनाना है तो आप इसके लड्डू ना बनाए, ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको लड्डू नहीं बनाना है तो आप इसको इसी तरीके से खा सकते हैं। ये देखिए, आप ऐसे खाएं या लड्डू बना के खाएं, ये आपकी मर्जी है। आप इसे बनाएं और मुझे बताएं आप आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरी रेसिपी कैसी। अल्लाह हाफिज़।